अखिल भारतीय संत धर्म समाज पुजारी समिति ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ देने की मांग की गई। पुजारी खाते में डाल रहे, दूसरे खाते में डाल रहे, पैसा निकाल लिया, फिर डाल दिया, फिर निकाल लिया, ऐसा हो रहा ना। और भी कोई नाम लिखवाए जुड़िया वाला है ठीक है। और ये मुख्यमंत्री जी भोजन इसको है ना किसान को प्रधानमंत्री नहीं यहाँ से जो आपकी है वो करना हो, बाकी वहाँ पहुँचा देना। पढ़ दो उसको बुरा जो दिखा। क्या मांग लेके एसडीएम कार्यालय यहाँ पर? पुजारियों की फसल खराब हो गई है, पूरी फसल नष्ट हो गई सोयाबीन की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को, और यहाँ पे मानने की बहुत थोड़ी धांधली चल रही है। पुजारी का जो नंबर दे रखे उसके बाद उसके खाते में पैसे नहीं डाल रहे, अन्य खाते में पैसे डाल रहे हैं। पुजारियों का ना शोषण हो रहा है, पहले भी डाल दिया था उसके बाद के हाँ दे देंगे, निकाल उसमें डाल के दे देंगे, उसके बाद फिर नंबर दिया पुजारी ने, फिर वो पैसे भी दूसरे खाते में डाल दिया। तो ज्ञापन में क्या मांग किया आपने? ज्ञापन में किया कि उन पुजारियों को जो मानदेय है इसमें अतिशीघ्र उनको मानदेय दिया जाए, और ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई है अतिवृष्टि से उनको रात उसमें सर्वे करवा के पुजारियों को भी राहत राशि दी जाए। तकरीबन ऐसे कितने पुजारी है? इसमें 30 पुजारी है जो पुजारियों को मानदेय में इधर उधर भटक रहे, वो समय से परेशान हो रहे हैं। उसके बाद कलेक्टर साहब को भी शिकायत की, उसके बाद अब तक निराकरण नहीं हुआ उसमें। महंत सालेग्राम दास, धर्म समाज पुजारी समिति प्रदेश अध्यक्ष।